आज तक किसी भी लैंड डीलिंग में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है और तुम मुझे ही डुबाने चला है। चुपचाप मुझे बता दे। गुरु अगर आज इसने अपना मुंह नहीं खोला तो कल से तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। तुझे मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आज से तू समुंदर किनारे वाली उस जमीन को बिल्कुल भूल जा। जान भी चली जाए तो जमीन नहीं दूंगा। तो फिर तू अपनी जान दे दिया। ये ले, ये ले। नहीं चलेगा। कौन है रे तू? मुझ पर हाथ उठाएगी तू? गलती करोगे मार भी डालूंगी। अब से किसी को परेशान मत करना, समझ गए तुम? उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुझे दिखाता हूँ। चल पकड़ो ना उसको। मुझे तुम्हें बाद में देखता हूँ। पकड़ उसको। आ जाओ, जॉगिंग करके बॉडी गर्म हो गई होगी, अब मजा आएगा पिटाई करने में। लड़कियों जैसी हूँ, लेकिन कोई गलत करता है तो उसे अच्छी तरह समझा भी देती हूँ। आगे ऐसी गलती करेगा तो खाने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। मम्मा लीजिए, पी लीजिए आराम से। मम्मा मैं जीत गई, मम्मा जीत गई, जीत गई, जीत गई मेरी बेटी। देखा रामू, मेरी बेटी जीत गई, मेरी बेटी जीत गई, मेरी मामा तुम भी ना गई। मैंने सोचा था मेरी जीत से तुम्हें खुशी होगी, लेकिन तुम तो रो रही हो मामा। नहीं जया, मैं बहुत खुश हूँ, जानती हो इतने दिनों बाद तुम्हारे पिताजी के सपने को तुमने साकार किया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। तुम बस खुश रहो मामा, जीवन में कैसे भी परेशानी आए तुम्हारी साथ रहूंगी। तुम्हें क्या चाहिए मम्मा, बोलो मम्मा बोलो। तूने अपने पिताजी का सर ऊंचा किया है बेटी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। माँ जी लेकिन जब वो वापस आएंगे तो मैं नहीं रहूंगी। मम्मा ये क्या कह रही हो तुम? माँ जी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी।
पिताजी तो दूर चले ही गए हैं। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मेरा यहाँ दूसरा कौन होगा? मम्मा, 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 प्लीज मम्मा। जया, देखो अपने पिताजी को बचा लो बेटी, उन बुरे लोगों को छोड़ना मत, छोड़ना मत। पिताजी को उन लोगों से बचा लो। मम्मा, मम्मा, मम्मा। पिताजी दूर हुए थे तो सोचा था तुम तो मेरे पास हो, अब तुम भी मुझसे दूर चली गई हो तो मैं किसके लिए जिंदा रहूं? चुप हो जाओ बेटी, ऐसी गलत बातें मत करो। एक दिन सभी को इस मिट्टी में मिलना है। तुम ऐसे रोओगी तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रो मत जया, रो मत। रो नहीं तो और क्या करूं? पैदा करने वाले ही दूर हो जाए तो आंसू तो बहेंगे ही, उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। पापा को हमसे दूर हुए कितने साल हो चुके हैं और अब मम्मा भी मुझे छोड़कर बस से दूर चली गई। किसे अब मैं मम्मा कहूंगी? किसके लिए अब मैं जिंदा रहूंगी? जीना होगा बेटी, तुम्हें जीना ही होगा। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुमसे क्या कहा था याद करो, किसी भी तरह तुम्हें अपने पापा को वापस लाना होगा। ये उनकी आखिरी इच्छा थी, उसे पूरी करनी है, तुम उसे पूरी करो। काका, अब मैं चलती हूँ। नहीं बेटी, जब तुम्हारे पापा लापता हो गए थे तो मुझे लगा कि सूरज भी लापता हो गया है। माँ जी के जाने के बाद हमारे पास अब चंद्रमा की रोशनी भी नहीं रही। अब अगर तुम भी चली गई तो हमारे सितारों की चमक भी चली जाएगी बेटी, हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, हम भी यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मेम साहब, हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। मैं भी चला जाऊंगा मेम साहब। आप सबका प्यार देखकर मुझे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि माँ बाप के उजाले के बिना इस अंधेरे घर में अकेले रहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर मैं वापस यहाँ आई या ना आ पाई, आप लोग यहीं पर रहिएगा, ऐसा ही करेंगे, इस बात का वचन दीजिए मुझे। आप लोगों को मेरी कसम, अगर आप वचन नहीं देंगे तो। ऐसा मत कहो बेटी, इतनी बड़ी बात क्यों कह रही हो? तुम लोगों का नमक खाया है हमने, खुश देखना चाहते हैं तुम्हें, हमेशा खुश रहो। तो फिर ठीक है, आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इस बात का वचन दीजिए मुझे, दीजिए वचन। ठीक है बेटी, वचन देता हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना और वापस आते समय मालिक को भी लेकर आना। रामू काका, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने पापा को लेकर आऊंगी, जरूर लाऊंगी। मुझे आशीर्वाद। ये क्या कर रही हो बेटी? जब भगवान तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात? ये लो बेटी, जीत तुम्हारी होगी। कैसे हैं? आपको देखे 14 साल हो गए, आप मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे लिए आपने कितने सपने देखे थे, कितना भरोसा था आपको मुझ पर। आपके उसी भरोसे के बल पर
आपके सपने को पूरा करते हुए यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ। आपको दोबारा देखने का सपना जो मेरी इन आँखों ने देखा है वो आपका इंतजार कर रही है। पापा, आप सॉफ्टवेयर क्रिएशन में बहुत बिजी रहा करते थे। जब जब आप घर वापस आते थे वो दिन मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। मैं पूरे घर में खुशी से नाचती रहती क्योंकि आप सिर्फ मेरे पापा नहीं थे, मुझे भरतनाट्यम सिखाने वाले गुरु भी थे। आप भले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे लेकिन आपकी बेटी भरतनाट्यम में अपना नाम रोशन करे ये आपका सपना था। मुझे नृत्य करता देख आप और मम्मा कितने खुश हुआ करते थे। बचपन में जब आप मुझे कराटे सिखाते थे मैं सोचा करती थी भरतनाट्यम के साथ कराटे क्यों? लेकिन भविष्य में हो सकता है मेरी रक्षा के लिए आप न रहें, तब मुझे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। शायद आप ये बात पहले से जानते थे। दुनिया के बेस्ट हैकर्स मेरे कब्जे में होने चाहिए। सीधे तरीके से मान जाए तो साइलेंस और ना माने तो वायलेंस। यू आर करेक्ट बॉस। ए खान बॉस। सॉरी खान बॉस। नाउ दैट्स गुड। खान शुड बी द ओनली टॉप। विजय, इंडिया के सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट सुशील कुमार का क्या हुआ? खान बॉस, हमारे पैसों के ऑफर को उसने ठुकरा दिया है। इनफैक्ट वो इंडिया से बाहर ही नहीं आएगा। विजय, तुम अच्छी तरह जानते हो ऐसे जवाब मुझे पसंद नहीं। खान बॉस, उसे मार दूं मैं? यू इडियट, हम यहाँ मारने के लिए नहीं जीतने के लिए खड़े हैं। सुशील कुमार जीनियस है, मैं अपने पुराने दोस्त से खुद निपट लूंगा।
How are you, my dear old friend? तू यहाँ? Hey, खान बॉस बोल तू. No, Vijay. I have only two friends in my life. और उन्हें कुछ भी कहने की पूरी छूट है. तू मुझे खान कह के बुला सकता है. You cheat? अपने मुँह से दोबारा मुझे दोस्त मत बोलना. तुम देशद्रोही हो. तुम्हारे जैसा आदमी मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता. ए जी. मैंने कहा था ना कि मान जाओगे तो साइलेंस और नहीं माने तो वायलेंस होगा. समझ में आया कि नहीं? इस देश में पैदा होने वाले, इस देश का नाम रोशन करने वाले हम जैसे लोगों से देशद्रोह का काम करवाना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म तो उनको आती है जो देश को प्यार करते हैं. हम जैसे देश को छोड़ने वाले किसी से प्यार नहीं करते. हेलो, यही है ना तुम्हारी प्यारी प्यारी बेटी? मेरी बेटी को हाथ लगाए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ खान. खान इज द ओनली डॉन. लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे तेरी बेटी नहीं चाहिए, तू चाहिए. तेरी बेटी तेरा रिमोट कंट्रोल है. जब तक तू मेरे साथ काम करता रहेगा तब तक तेरी बेटी सेफ रहेगी. लंबे डायलॉग बोलना मुझे पसंद नहीं, ओनली शॉर्ट डायलॉग. बेटी Good morning, sir. I'm Akash. I'm Jang. Hi, I'm Bhumika. Hello, ma'am. Welcome to Bangkok. Mr. Jang, as you are aware about this case, many of the software professionals of India have been kidnapped. And they have been used more in illegal activities here. What do you say? Yes, Mr. Akash. Even we have studied this case. There seems to be a very big hand behind this case, but there is no proof. You are right, sir. And that's the reason we have been deported here, because the culprit is from Bangkok. I will extend my full cooperation to your officers. Today you both take rest. We'll make tomorrow. Thank you, Mr. Chang. Bhumika, hum log thoda rest kar le. Nonsense. Hey, separate rooms. Oh. I love you and this job. Itne bade shehar mein papa ko kahan kahan dhoondun? शहर होता तो मैं
रात भर आपको ढूंढती रहती। मैं सोऊंगी नहीं जब तक आपसे नहीं मिलूंगी, तब तक ढूंढती ही रहूंगी। दिन हो रात हो चाहे कोई भी वक्त हो, गुंडे बदमाश कोई भी आड़े आए, लेकिन आपको जरूर ढूंढ निकालूंगी। आपको ढूंढते वक्त अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढकर वापस ले जाना ही मेरा लक्ष्य है। 10 दिन हो गए खाना खाए, ये लीजिए खा लो माँ जी। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। भाई ए चला। अरे दर्द हो रहा है, ज्यादा लगी क्या? ये रख लो। नहीं दीदी मैं भिखारी नहीं हूँ। तुमने मुझे दीदी कहकर बुलाया है ना, तो ये भीख कैसे हुई? अपने भाई को दे रही हूँ, ले लो। उठो। थैंक्स दीदी। ओके संभल कर जाना। हूँ जया, इस लॉकेट में जो पक्षी बना हुआ है ना, तुम वैसे ही उड़ती रहना, खेलती रहना, हंसते रहना और गाते रहना। ठीक है डैडी। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। आदत और हमें सर काटने की, तू हमें धोखा देगा? भगवान के लिए तुम लोग मुझे छोड़ दो प्लीज। तू हम लोगों से बचकर कितने दिनों तक भागता रहेगा? पाताल में छुपेगा तो भी ढूंढ निकालेंगे तुझे। अगर तू हमारे खान बॉस की बात मान लेगा तो तू भी बचेगा और तेरी फैमिली भी। उठा लो इसे। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। ओए चुपचाप से उन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? हेलो स्कूल जाने का वक्त हो गया, चुपचाप स्कूल जाओ, दोस्त और टीचर वहाँ राह देख रहे होंगे। अगर तुम लोगों ने इन्हें नहीं छोड़ा तो मुझे स्कूल नहीं जाना होगा, तुम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। माइंड इट। अरे कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही है तू, निकल चल। चल तू इधर आ। ए, मार इस लड़की को। चली जाइए। थैंक्स बेटी। चलिए चलिए। चल। जागो।
जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। क्या खुशखबरी है खान बॉस? अब आज के बाद से तुम में से कोई भी किसी भी तौर से मेरे बिजनेस में भागीदार नहीं रहेगा। हमें ये मंजूर नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। तूने हमें धोखा दिया खान। ए सुनो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मुझे खान बॉस नहीं कहा। तो उससे क्या हुआ? यू कांट चीट अस लाइक दिस। हम जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। वो मैं खुद कर दूंगा मिस्टर पार्टनर। इफ सो वी नीड कंपनसेशन। कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। शेम ऑन यू खान, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खान बॉस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुशील कुमार के लिए फोटोज। यही तो चाहिए था, यही उसका भोजन है। गाय घास खाती है, शेर गायों को खा जाता है और इंसान खाना खाता है, लेकिन तुम ये पेन ड्राइव खाते हो। दुकान प्लीज दे दो। दे दो खान प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ खान, दे दो। माय स्वीट डॉटर, मेरा सपना पूरा किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितना अच्छा होता अगर हर किसी को अपने बच्चों से प्यार होता, तो उन्हें जान से नहीं मारना पड़ता और हमारा काम चलता रहता। तुम्हारा प्रोजेक्ट तो अब पूरा हो गया है ना? अब कितने दिन मुझसे ये काम करवाते रहोगे तुम? अब तो मुझे जाने दो, अपनी बची खुची जिंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ बिता लूंगा। खान प्लीज, खान मुझे छोड़ दो खान प्लीज। तू सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तुझ जैसे सुपर हैकर्स आसानी से नहीं मिलते। तू ये क्यों मानता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? मनी ट्रांसफर पूरा हुआ है, लेकिन मिलिट्री सीक्रेट्स तो अभी बाकी। नो, यस, नहीं छोड़ूंगा। तेरे जिंदा रहते नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? अब आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका नाम? जया। मैं बेंगलोर से आई हूँ। मेरी माँ के मरने के बाद अपने पापा के लिए यहाँ आई हूँ। आपके पापा कहाँ हैं? पता नहीं, ढूंढना होगा। जब मैं 8 साल की थी, तब मेरे पापा को कोई जबरदस्ती उठा कर ले गया था, लेकिन आराम से आराम से। रुकिए, मैं देता हूँ। हाँ, किसी ने मुझे ये गिफ्ट भेजा है।
इसमें जो मैप है, जो लिपि है, दोनों बड़ी अजीब सी है। जरा आप देखिए, शायद आपको कुछ समझ में आए। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई अद्भुत मार्शल आर्ट है। नहीं, मैं मार्शल आर्ट्स जानती हूँ, लेकिन कल वहाँ पर जो गुंडे पंचेस और लॉक्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो मैंने ना कभी देखे हैं ना सुने हैं। आप अभी रेस्ट कीजिए, कल मैं आपको एक जगह ले चलूंगा, वहाँ पता कर लेंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कौन हैं। मैं एक साधारण इंसान हूँ, पर मुझ पर भरोसा कीजिए। गए सारे। जाएंगे कहाँ? पकड़ ही लूंगा। बेंगलोर में जो खून हुए थे और ये जो खून है, एक जैसे हैं, है ना? यू आर राइट। कॉल मिस्टर चाय। हेलो मिस्टर चांग। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट व्हाट वी एक्सपेक्टेड दैट वाज ट्रू। चांग, दीज आर द फोटोग्राफ्स हु आर मर्डर्ड इन इंडिया एंड द नाइफ मार्क्स एग्जैक्टली मैचेस फॉर द बॉडीज व्हाट वी फाउंड टुडे। जस्ट टेक एंड लुक एट दिस। या यू आर राइट ऑफिसर्स, देयर इज अ सिंगल मैन बिहाइंड बोथ दिस मर्डर्स। Mr. Chang, we need this. This man's network and business details. Sure, Mr. Akash. I'll collect the information. Okay. Hope you both are doing well. I know. Thanks, Mr. Chang. Welcome. Shall we move? We'll meet again. See you, Chang. Thank you, ma'am. See you. Huh? Photographs. Bhumika, shall we go for shopping? मुझे रेस्ट करना है। यू एंजॉय द शॉपिंग। बाय। आई लव द शॉप एंड यू टू।
आइए आइए, यहाँ पर ये बुक्स पड़ी हुई हैं, आप इनमें ढूंढ लीजिए, शायद मिल जाए। एडमिशन लेना है? हाँ जी सर। एडवांस 10,000, फीस 1,000। क्या सीखोगे, कराटे, कुंग फू? कलर जी। राजू। मास्टर। इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। बाहर जाओ। क्या हुआ मास्टर, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझ जैसे बड़े आदमी के साथ इस तरह मजाक करना गलत नहीं है, तो और क्या? ये मजाक नहीं है मास्टर, सच है। मैं वाकई यहाँ कलर्ची सीखने आई हूँ। मुझे नहीं पता किस तरह की कोई युद्ध कला भी होती है। मार्शल आर्ट्स होती है आत्मरक्षा के लिए। अगर ये विद्या सीखनी है तो अपनी आत्मा को जीतना होगा। वो एक तपस्या है। ये ऐसी विद्या है जिसे ऐसा वैसा आदमी नहीं सीख सकता। रॉकी, जेटली, निंजा, किक हर आउट। मास्टर, मैं उस विद्या का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए ही करूंगी। प्लीज मुझे सिखाइए मास्टर, प्लीज। वो एक बहुत ही पुरानी विद्या है। पूरे भारत में मात्र 7 लोग इस विद्या को सीख पाए हैं आज तक, और उन सीखने वालों में से 2 लोग हमारे ही राज्य के हैं। इस बात की हम सब लोगों को बहुत खुशी है। उनमें से एक अब यहाँ नहीं रहता है, वो विदेश में जाकर सेटल हो गया है, ऐसा मैंने सुना है। तो दूसरे कौन है? दूसरे हैं मास्टर द्रोण। वो यहाँ से बहुत दूर एक घने जंगल में रहते हैं, लेकिन इस विद्या को जानने वाले इसे अब दूसरों को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस विद्या का गलत उपयोग होगा। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो। अब तुम्हारी किस्मत कैसी है खुद ही आजमा लो। थैंक यू वेरी मच मास्टर। Yeah!
अगर तुम लोग इस इलाके में दोबारा घूमते भी नजर आए तो एक एक की गर्दन काट डालूंगा मैं। मास्टर मास्टर नमस्ते मास्टर, मेरा नाम जया है। मास्टर 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 मास्टर, ये लड़की यहाँ आपसे। मास्टर मास्टर, मुझे कलर्ची सीखनी है। मास्टर मास्टर मास्टर, सच में मैं अपनी भक्ति और श्रद्धा से सीखूंगी। मास्टर आप जैसा कहेंगे वैसा ही सीखूंगी, प्लीज। मास्टर नाम तुमने क्या बताया था? जया है मास्टर। ठीक है, यहाँ क्यों आई हो? मुझे कलर्ची सीखनी है मास्टर। कलर्ची? हाँ, वो क्यों? अन्याय को रोकने के लिए, अपने पापा को ढूंढने के लिए। उद्देश्य तो अच्छा है लेकिन नजरिया ठीक नहीं है। इस विद्या को सीखना है तो शारीरिक शक्ति नहीं मानसिक शक्ति चाहिए। लगता है वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, इसीलिए मैं तुम्हें वो विद्या जरूर सिखाऊंगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू वेरी मच। इस विद्या को अगर सीखना है तो चार चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर वन कॉन्फिडेंस, नंबर टू फोर्स, नंबर थ्री कॉन्सेंट्रेशन, नंबर फोर कंट्रोल।
आज तुम्हारी विद्या पूरी हो गई और ये तुम्हारी भक्ति श्रद्धा और मेहनत का फल है। आपके आशीर्वाद से ही मैंने सीखा है मास्टर। एक गुरु के नाते मुझे जो मालूम था वो तुम्हें सिखा दिया। ध्यान रखो कि इस विद्या के गुणों को कभी भी भूलना मत। नहीं भूलूंगी मास्टर, आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगी। कहिए मास्टर। आम लोगों के बीच तुम इस विद्या की प्रैक्टिस नहीं करोगी, पैसा या प्रतिष्ठा के लिए इस विद्या का उपयोग नहीं करोगी। ये विद्या सीखने के बाद अब तुम्हारी आत्मा इसके साथ एक हो गई है। इसे अन्याय, अनीति और बुरे कामों के लिए इस्तेमाल मत करना। ठीक है मास्टर, कैसे भी परेशानी आए लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है मैं कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, तो अब तुम कहाँ जाओगी? अपने पापा को ढूंढना है। जब मैं 8 साल की थी तब किसी गुंडे ने मेरे पिताजी को किडनैप कर लिया था मास्टर। सुशील कुमार। मेरे पापा का नाम आप कैसे जानते हैं मास्टर? जानता हूँ। तुम्हारे पापा की किडनैपिंग, तुम्हें लेटर भेजना, उस लेटर की वजह से तुम मेरे पास ये विद्या सीखने आई हो, मैं सब जानता हूँ। इसे तुम मेरी एक नई विद्या समझ रही होगी, पर नहीं, ये कोई विद्या नहीं, सच्चाई है। मैं तुम्हारे पिता सुशील कुमार और खान तीनों बचपन के दोस्त थे। तुम्हारे पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। मैं और खान दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने गुरु से इस विद्या को सीखा। गुरुजी ने देहांत से पहले कहा कि तुम दोनों को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन किसी भी वजह से तुम लोग आपस में मत टकराना, इस बात का वादा लेकर वो गुजर गए। इस विद्या का अन्याय और हिंसा के लिए उपयोग करके खान बहुत बड़ा डॉन बन गया। अपने अन्याय में भागीदार बनाने के लिए तुम्हारे पापा सुशील कुमार को किडनैप कर लिया, और तब मैंने ठान लिया कि मैं उसके अन्याय को खत्म करके ही रहूंगा। तब से लेकर आज तक मैं एक अच्छे शिष्य की राह देख रहा था, साथ ही तुम्हारे बारे में खबर भी ले रहा था। इस बात का मुझे विश्वास हो चला था कि अगर तुम इस विद्या को सीखोगी तो अन्याय को रोक सकोगी, साथ ही मेरे दोस्त और अपने पापा को बचाओगी भी। इसीलिए मैंने तुम्हें गिफ्ट के नाम पर वो लेटर भेजा और अपने शिष्य को तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे पास भेजा। इसके बावजूद तुम इस विद्या की सही हकदार हो या नहीं, परीक्षा लेने के बाद तुम्हें यह विद्या सिखाई। नाउ यू आर अ परफेक्ट वेपन। मास्टर ये सब सच है तो फिर अब वो खान कहाँ मिलेगा मास्टर? खान अब वो पुराना खान नहीं रहा, अब बहुत बड़ा डॉन है वो। उसने अपना एक साम्राज्य बना लिया है और उस तक आसानी से कोई पहुँच न पाए ऐसी व्यवस्था की है। मास्टर क्या मैं उस खान से मुकाबला करने के काबिल हूँ मास्टर? वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि खान तुम्हें नहीं मार सकता। मारा तो तुम्हारे पापा उसका काम कभी नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए ही वो 14 सालों से उसका काम करते आ रहे हैं, ये बात याद रखना। तो फिर मेरे पापा इस वक्त कहाँ है मास्टर? वो खान के साथ बैंकॉक में है। तुम्हारे साथ न्याय है और ये द्रोण भी। कुछ भी हो लेकिन विजय तुम्हारी है। गोए है। मॉर्निंग खान बॉस। कम ऑन विजय, ये लीजिए। एनी गुड न्यूज? सुशील कुमार की बेटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं खान बॉस,
वही बात बताने आया था। वो लड़की पिछले 6 महीने से नहीं दिखाई दी, ना ही घर में और ना ही कहीं और। विजय कैनवस, मुझे इस तरह के जवाब नहीं चाहिए। चाओ और चाकर कोई अच्छी खबर लाओ। ओके कैनवस। हेलो आकाश, कहाँ हो? वाओ, मैं इसी दिन के इंतजार में था भूमिका। हे स्टूपिड, कल के ऑपरेशन में हम दोनों की गन आपस में एक्सचेंज हो गई थी, मैंने तुम्हें उसी लिए फोन किया है। अब तो आपस में दिल बदल लेने चाहिए, ये गन क्या है ना। तुम नहीं सुधरोगे, पहले बताओ कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी गन देकर अपनी गन लेनी है। इस गन को चलाने वाले जब से बदल गए हैं तब से ये बेचारा मोबाइल की तरह वाइब्रेट कर रहा है, धड़क नहीं रहा। आकाश ओके ओके, मैं अभी चिंता में हूँ। ओके वही रुकना, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ये लो अपनी गन, मुझे मेरी गन दो। Shall we have some coffee? Stop this nonsense. Seriousness नहीं है क्या? My God. Gun exchange करना जरूरी है क्या? Are you mad? मैंने एक ही bullet use की है और तुम्हारी गन में 4 bullets खाली हैं। वो इसलिए क्योंकि बाकी के bullets मेरे दिल में उतर गई है। तो फिर एक गोली मैं भी मार देती हूँ। सच में मार डालोगी? तो उसके लिए गन की क्या जरूरत? तुम्हारी आँखें ही काफी है। This is too much. I'll inform higher officers. Hey, just relax. Take your gun. And give me my gun. Hey, this is too much यार। जैसे हमने अपनी गन बदली है, उसी तरह अपने दिल भी आपस में बदल लेने चाहिए ना? Thank you, ma'am. Thank you.
मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। लिंडा के कहने पर मैंने पीछा किया बस। इसे पहचानते हो तुम? यही लिंडा है। ये कहाँ मिलेगी? सिटी सेंटर के पब में मिलेगी। बस सिर्फ 10 मिनट है, साइन द पेपर्स। पर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आपको पता है? आई नो, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। देखो, हमारे बच्चों को कुछ मत करना। चलो पेपर साइन करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं? नहीं? पेपर साइन करके चुपचाप घर जाओ। हमारे बच्चों का क्या होगा? वो लोग तुम्हारे लिए रुके हैं। मैंने कहा साइन करो और जाओ। बहुत सारे गरीब लोग इन स्लम्स में रहते हैं। चिंता मत करो, वी विल टेक केयर। शक नहीं, ये उसी का काम है। विजय, द्रोणा बैंकॉक आया है क्या? नहीं खान बॉस, इज इन इंडिया। आर यू श्योर? 100%। आपको कोई डाउट है खान बॉस? तो फिर ये पंच, ये लॉक्स, ये सब कौन कर सकता है? मैं जानता हूं ये कलर्ची है, पता करो ये किसका काम है।
सबके जवाब पे गली गली चर्चे मेरे जवानी के। सबके जवाब पे गली गली चर्चे मेरे जवानी के। खुश उड़ा दे दिल धड़का दे हुस्न की मस्ती ये दीवानो बचना जरा संभलना दीवानी जवानी ये खातिर है मेरा जलवा ये मेरी शौक पापा का है, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी। वो खान बॉस के साथ वो है। कहाँ है? फिफ्थ सेक्टर नंबर वन फ्रैंकलिन टावर। स्टॉप इट, स्टॉप।
Come on. मेरी पसंदीदा सेक्रेटरी है, बट यू आर 99% कट, 1% बैड गर्ल। तुमने मेरे दुश्मन को क्लू दिया, इससे मैं डाउन हो जाऊंगा और दूसरे डाउन बन जाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खान शुड बी द ओनली डाउन। सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों, मैंने क्या किया? तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी। अगर तुमने गोली नहीं चलाई होती तो मैं उसे आसानी से पकड़ लेती। छह, मिस हो गई। रियली, शी इज वेरी फास्ट। कौन है वो लड़की? वो बैंकॉक क्यों आई है? उस वैम्प लेडी के साथ में झगड़ा क्यों कर रही थी? उस खान का और उस लड़की का क्या नाता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर आकाश, इनके लिए ब्रेन होना चाहिए। मैं यूज कर लूंगी। हम उसी के लिए आए हैं, यूज करो ना। लेकिन कहाँ है? पिछले 6 महीने से मैं यही पूछ रहा हूँ। सुशील, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उसको कुछ नहीं किया है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, कहीं घूमने चली गई होगी। एक बात याद रखना खान, मैं आज तक अपनी बेटी के लिए तुम्हारी बातें मानता आ रहा हूँ। तुम्हारे डर से नहीं, मेरी बेटी कहाँ है नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तुम्हारी बेटी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तुम्हारा काम चाहिए, ना कि तुम्हारी बेटी। तुम्हें अपनी बेटी की जानकारी चाहिए ना? मैं खुद उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। सलाम खान बॉस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या बात है विजय? कलर्ची मार्शल आर्ट्स का यूज करके अपने लोगों को मारने वाली जया है खान बॉस। जया? एलकेजी की बेटी इतनी जल्दी बड़ी होकर अपने बाप को बचाने के लिए आ गई। जरूर उस द्रोणा ने ही इसे कलर्ची सिखाया होगा। क्या खान बॉस, उस लड़की को मारना चाहते हो? तुम्हें उससे क्या परेशानी है? अगर उसे मार देंगे तो उसका बाप हमारे लिए काम नहीं करेगा खान बॉस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर हम उसे जिंदा छोड़ देंगे तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मास्क। यस खान बॉस। इसे खत्म कर दो। Everything is so clear. ये इंडियन है, बेंगलोर में पली बड़ी है। तो अब ये बैंकॉक में क्या कर रही है? इस फोटो को देख के लगता है इस लड़की को भरतनाट्यम आता होगा। But one thing, how can she fight like that? These are two different things. Yeah!
हाँ भूमिका बोलो। आकाश सेंट्रल पार्क के पास आ जाओ। Yes? Where is my father? I don't know. I don't know. Where is my father? Please leave me. I don't know. He's Tell me Khan or boss. Else I'll kill you. Where is Khan? He's in shipping yard. एलकेजी की बच्ची आज की कलर्ची ड्रैगन उठा कर ले चलो इसे। सोचा था बाप बेटी मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन तुम लोग तो मेरी तरह लंबे डायलॉग्स ना बोलकर कट डायलॉग में बात कर रहे हो। यू आर स्ट्रेंज पीपल्स, टेक योर ऑन टाइम, कम ऑन। Thank you.
तुम यहाँ कैसे आ गए बेटी? पापा आपको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आज आप मुझे मिले भी तुम ऐसी परिस्थिति में मिले हैं पापा। जया, तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ, कहाँ है तुम्हारी माँ? आपकी किडनैपिंग के बाद मामा की तबीयत खराब रहने लगी। इतने दिनों तक मौत से लड़ते लड़ते, आपको याद करते करते, आखिर वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई पापा। सुनीता, सुनीता। पापा, आप कैसे हैं पापा? तुम्हारी माँ मरते मरते जी रही, लेकिन जीते जी मर रहा हूँ। पापा, ऐसी बात मत कीजिए पापा। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं इन पापियों के साथ इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, लेकिन अब तो तुम ही इन कमीनों के हाथ लग गई हो बेटी। पापा, ये लॉकेट आपको याद है? आपने बर्थडे में गिफ्ट दिया था मुझे। इसमें जो पक्षी बना हुआ है उसी की तरह हंसते रहना, गाते रहना, नाचते रहना, यही कहा था ना आपने? बिल्कुल उसी तरह मैं नाचते गाते बड़ी हुई हूँ, लेकिन कभी हंस नहीं पाई पापा। आपको दोबारा देखना है मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। सच में आज आपको देखकर लग रहा है मेरा मकसद पूरा हो पापा। I love you बेटे। I love you too पापा। I love you too। शाबाश, fantastic scene। इसे कहते हैं इंडियन सेंटीमेंट्स। चाहे मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन प्यार, मोहब्बत, रोना धोना, देशभक्ति, ऐसे ही सेंटीमेंट्स हमारे काम आते हैं। खान, मेरी बेटी को कुछ मत करना, इसे छोड़ दो। जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। प्लीज प्लीज। हैंड बॉस, शी इज वेरी डेंजरस गर्ल, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यू आर राइट विजय, इसे ऐसे छोड़ देना गलत होगा। अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमें मार देगी। खान, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्ची है ये। तू जिसे छोड़कर आया था अब वो बच्ची नहीं रही। शी इज अ मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, कलर्ची भी जानती है। इसने मेरे आदमियों को मार डाला, इंक्लूडिंग मास्क। ये सब द्रोणा की चाल है। उसने मास्टर से वादा किया था इसलिए मुझ पर सीधा हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन ये हथियार तैयार कर लिया उसने। अब तू ही बता, तेरी बेटी बच्ची है या बिजली है? शाबाश जिया, शाबाश। मेरे इतने दिनों के दुख का फल मुझे मिल गया है। द्रोण, माय फ्रेंड, दोस्ती का हक तुमने अदा किया है। मैं तुमसे कहता था कि खून के रिश्ते वाले ही हमेशा अपने होते हैं, लेकिन तुमने बिना खून के रिश्ते के ही मुझे बता दिया कि तुम भी मेरे सगे हो। मेरी बेटी को ट्रेनिंग देकर मुझ पर एहसान किया है। Hats off to you। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी खुशी होगी सुशील। विजय। Yes Khan boss। Get him and kill her। नहीं खान, नहीं। मेरी बात सुनो खान। मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। ए, कितनी देर करेगा? जल्दी करना, शूट कर इसे। ए, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तुम्हारी मौत। Shoot her! Shoot her! Move!
How to catch her? Every time she disappears. कहाँ ढूंढने उसे? Nothing to worry, officers. I'm here. जब से तुम बैंकॉक आई हो तब से हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन तुम कहीं गायब हो जाती हो, लेकिन अब तुम खुद चलकर हमारे पास आई हो। पर आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? हम लोग बैंगलोर से ही हैं, एक केस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में यहाँ आए हैं। That's fine. आपने शायद मुझे गलत समझा। मेरा नाम है जया, फादर सुशील कुमार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनका किडनैप हुए करीब 14 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और उन्हीं को ढूंढते हुए तुम यहाँ बैंकॉक आई हो, am I right? जी हाँ, आपने जो भी कहा वो सच है, लेकिन ये सब जानकर भी आपने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वही तो प्रॉब्लम है जया, हम सब जानते हैं लेकिन प्रूफ नहीं है। ये रहा आपका प्रूफ, विद दिस यू कैन प्रोसीड। थैंक यू, विल टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन इस वक्त मुझे अपने पापा को बचाना होगा, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। Please, can you help me? Sure. गुरुजी से किए गए वादे की वजह से तू मुझ पर वार नहीं कर सकता, तो तूने इसे तैयार कर दिया, मित्र द्रोही। द्रोही? हाँ हूँ, द्रोही हूँ मैं। लेकिन तू सिर्फ द्रोही नहीं, देश द्रोही है। गुरुजी ने हमसे वादा लिया था कि हम कभी इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन तूने किया। तुझे तो मैं कब का खत्म कर चुका होता, लेकिन उनसे वादा किया था, इस वजह से तुम अब तक जिंदा बचे हो। लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतने लंबे डायलॉग मत बोलो द्रोणा, मैं जानता हूँ तू ना तो तब मुझसे लड़ सकता था और ना ही आज लड़ सकता। तू बिल्कुल गलत सोच रहा है खान, हर चीज की एक हद होती है, तूने तो सारी हदें तोड़ दी हैं रे। तुझे मिट्टी में मिलाकर अन्याय का अंत करके न्याय की जय जयकार करने के लिए ही मैंने इस जया को तैयार किया है। जया जैसी जितनी भी लड़कियां तैयार कर ले, लेकिन खान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता माय डियर फ्रेंड। 300 दिन आकाश में चमकने वाले सूरज को भी ग्रहण लगता है, ये मत भूलो मिस्टर खान।
भारत में पैदा होकर वहाँ का नमक खाकर अपने देश से गद्दारी करने का तेरा दिल कैसे करता होगा ये पता नहीं, लेकिन उसी भारत की नारी तेरे साम्राज्य को खाक में मिलाकर अपनी जीत हासिल करेगी। टॉप इट, टॉप इट। बड़े डायलॉग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। Only cut dialogues. Kill them all. दस बेटे होते तो वो भी मुझे इस नरक से नहीं बचा पाते, पर एक लड़की होते हुए भी इन राक्षसों के चंगुल से बचाकर तुमने मुझे नया जन्म दिया है। तुमने मेरी माँ की जगह ले ली है, तुम मेरी माँ हो। अगर मेरी जीत हुई है तो सब आपकी उन बातों की वजह से, और मास्टर ने जो मुझे कलेची विद्या सिखाई है उस वजह से पापा।
जया। द्रोण। सुशील। माय फ्रेंड। कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। असली दोस्ती का क्या मतलब होता है, तुमने आज दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच। हम दोनों के बीच ये थैंक्स क्यों। चलो एंड तो हैप्पी हुआ, लेकिन आपको अब यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। वो क्यों? तुमने इतने लोगों को मारा, ये तुम्हारे नजरिए से ठीक हो सकता है, लेकिन कानून की दृष्टि में ये जुर्म है। इसलिए तुम्हारी धर्म की लड़ाई में तुमने जो लोगों को मारा है उसके लिए तुम्हें सजा ना मिले, मैं ऐसा चाहता हूँ। यू आर मिस्टर आकाश। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच आकाश। मेंशन नॉट। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। हेलो एक्सक्यूज मी, सब इन्हें थैंक्स बोलेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं भी तो पुलिस ऑफिसर हूँ। इनफैक्ट हमें ही तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन को सक्सेस किया कहकर इंक्रीमेंट और प्रमोशन तो हम ही लेने वाले हैं ना। जया है।